गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ शिमला शर्मा, टीजीटी हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना शब्द निर्माण के बारे में और उपसर्ग की परिभाषा हमने जानी और उपसर्ग के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हमने जाने, आज हम उससे आगे देखते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा, उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं, तत्सम यानी कि संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव यानी कि हिंदी के उपसर्ग और विदेशी या आगत उपसर्ग। तो आज हम सबसे पहले तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग का अभ्यास करेंगे। देखो कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, तो मैंने ये सभी संस्कृत के उपसर्ग को यहाँ पर लिखा है। ये सभी संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, तो इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। जब आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे तब कहीं जाके आप इनका सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। तो इनको लर्न करने के लिए मैंने इनको वर्णमाला के अनुसार ही जमा के लिखा है, जैसे अ, अन, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत या उद, उप, दुर, दुष, निर, निश, नी, परा, परी, प्र, प्रति, वी, सम, स, सु, स्व, कु, चिर और तत। तो ये सभी हैं संस्कृत के उपसर्ग। अब इनसे किस प्रकार हम शब्द का निर्माण करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा उपसर्ग है अ, तो इससे बना सकते हैं बेटा हम अभाव, अज्ञान, अन्याय, ठीक है। उसी प्रकार अन से बनाएंगे अनिच्छा, अनादर, अनादि, ठीक है, अति, अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार। इस प्रकार से हम शब्द बनाएंगे अधि, अधिनियम, अधिकरण, अधिकार, ठीक है। अब आते हैं अनु, अनुकरण, अनुसरण, अनुपालना, अब आते हैं अप, अपमान, अपशब्द, अपहरण, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है अभी, अभी से बना सकते हैं बेटा हम अभिमान, अभियोग, अभिशाप। अब आते हैं आओ, आओ से बनाएंगे हम अवगुण, अवशेष, अवगुण, अवशेष और अवधारणा बना सकते हैं एक हम। अब आते हैं आ उपसर्ग, आ
आ से बनाएंगे हम आजन्म, आमरण, आजीवन। नेक्स्ट है हमारा उत और उद। अब इससे बना सकते हैं हम उत्कर्ष, उत्साह, उद्भव, उद्योग, इस तरह से। अब आते हैं हम उप। उप से बनाएंगे हम उपयोग, उपनाम, उपग्रह, ठीक है, दुष और दुर, दुर्बल, दुर्जन, दुस्साहस। ओके, अब आते हैं निर और निस। निर और निस से किस प्रकार से हम उपसर्ग रचना करेंगे, जैसे निर्बल, निर्जन, निर्भय, निसंदेह। ठीक है, निसंदेह। अब आते हैं नी उपसर्ग से, तो इससे बनाएंगे हम निबंध, निवास, निवारण, निषेध। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परा। परा से बनाएंगे हम पराजय, पराभव, पराकाष्ठा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा परी। परी से बनाएंगे हम पर्यावरण, परिवेश, परिक्रमा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्र। प्रबल, प्रकृति और प्रगति। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट है हमारा प्रति। प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिध्वनि। ओके, आगे है वी। वी से बनाएंगे हम विदेश, वियोग, विभाव। ठीक है, समझ में आया? अब आगे है हमारा उपसर्ग है, वो है सम। सम से बनाएंगे हम सम्मेलन, सम्मान, संयोग। ओके, अब है नेक्स्ट उपसर्ग है स। सफल, सपरिवार और सरस। ठीक है, नेक्स्ट है सु। सुकुमार, सुकर्म, सुशिक्षित। नेक्स्ट है हमारा स्व। स्वराज, स्वदेश, स्वतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है कु। कुकर्म, कुपात्र, कुपुत्र। चिर,
फिर से बनाएंगे हम चिरायु, चिरकाल, चिरस्थाई और लास्ट है अब बेटा हमारा तत्। तत् से बनाएंगे हम तत्काल, तत्पर, तत्पश्चात। तो इस तरह से हम इन उपसर्ग से नवीन शब्द की रचना करते हैं। तो ये सभी संस्कृत के उपसर्ग है। तो आज हमने देखा कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी या आगत उपसर्ग। तो आज हमने जाना कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है। इसी के साथ साथ संस्कृत के कुछ अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, इनके कारण किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। संस्कृत के कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्ग के रूप में होता है, यानी उन अव्ययों का प्रयोग भी उपसर्ग के रूप में किया जाता है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।